देखो अमीना, उर्वाक तुम्हारा शौहर है, अगर वो तुम्हें डांटे या तुमसे नाराज हो तो ये तो तुम्हारा और उसका मसला है ना। हाँ तो ये कि जब तुम्हारे अम्मी अब्बू आएंगे तो तुम उन्हें मत बताना कि उर्वा तुमसे नाराज है, वरना उन्हें दुख होगा। क्यों ना बताऊं? मैं तो बताऊंगी, अम्मा अब्बा को भी तो पता चले कि वो उर्वा को जितना अच्छा समझते ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा तो क्या तुम अपने माँ बाप को दुखी करना चाहती हो? नहीं लेकिन। हाँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना, तुम तो अच्छी बच्ची हो, बड़ों का कहना मानती हो, है ना? हाँ लेकिन। बस तो फिर ठीक है, अपनी आयशा बाजी से एक वादा करो कि तुम अपना और उर्वा का मसला कभी भी किसी को भी नहीं बताओगी। नहीं बताओगी ना? अच्छा नहीं बताऊंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा बताओ नाश्ते में क्या खाओगी, अमलेट या हलवा पूरी मंगवाऊं? हलवा पूरी। भाई वाह, हमारी अमीना को हलवा पूरी बहुत पसंद है। अब्बा हर जुम्मे को लेकर आते थे हमारे लिए। अच्छा मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी मंगवाती हूँ, फिर खूब पेट भर के खाना। हूँ।